सो हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल और स्टडी में। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर आज का मेरा टॉपिक है सिंप्लीफिकेशन। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको सिंप्लीफिकेशन बताने वाला हूँ। आपने सिंप्लीफिकेशन यानी सरलीकरण जो हिंदी होता है आपने पढ़ा तो होगा, लेकिन इस तरह के क्वेश्चन के साथ आपने सिंप्लीफिकेशन नहीं किया होगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही ज़रूरी क्वेश्चन है। इस तरह क्वेश्चन में काफ़ी लोग चक्कर खा जाते हैं और उनसे इस तरह क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाता है। तो चलिए आज सारा डाउट क्लियर होगा इस वीडियो में। चलिए क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या है, यहाँ पर दिया गया है 19। 19 का जो पावर है जीरो है। ये जो ऊपर लिखा जाता है पावर है, यानी जिसको घात बोलते हैं हिंदी में, प्लस 13 का पावर जीरो, माइनस 9 का पावर जीरो, प्लस 20, माइनस 1 का पावर जीरो। यहाँ पर इस तरह का क्वेश्चन दिया गया है। मैं आपको सबसे पहले एक ही कंसेप्ट बताऊंगा और ये क्वेश्चन जो है चुटकियों में सॉल्व हो जाएगा। मैं आपको बता दूं कि किसी भी संख्या का पावर जीरो उसका मान जो होगा वन होगा। किसी भी संख्या का पावर यानी 10 का पावर जीरो बराबर वन, 100 का पावर जीरो बराबर वन, 1 का पावर जीरो बराबर वन, 9 का पावर जीरो बराबर वन। ये जो है कॉन्सेप्ट है, किसी भी संख्या का पावर जीरो बराबर वन होता है। चलिए अप्लाई करते हैं क्वेश्चन में। तो यहाँ पर है 19 का पावर जीरो, तो ये हो जाएगा वन, प्लस 13 का पावर जीरो, ये हो जाएगा वन, माइनस 9 का पावर जीरो, ये हो जाएगा वन, प्लस 20 माइनस 1 का पावर जीरो, कितना हो जाएगा वन हो जाएगा। किसी भी संख्या का पावर जीरो मतलब वन। अब क्या करेंगे, जोड़ेंगे घटाएंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन में क्या करते हैं कि सबसे पहले जो प्लस में है उसको जोड़ लेते हैं, यानी एक के पहले कुछ भी नहीं है तो क्या है, प्लस है। इस एक के पहले तो प्लस दिया गया है, यहाँ पर 20 के पहले क्या है, प्लस है। तो 20 प्लस में है, एक प्लस में है और ये भी एक प्लस में है, तो तीनों को पहले जोड़ेंगे। तो एक एक दो और दो में 20 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 22। अब देखेंगे माइनस में क्या है, तो माइनस में वन और माइनस में यहाँ पर वन, तो माइनस वन और माइनस वन जोड़ेंगे तो माइनस टू, और क्या करेंगे 22 में से दो घटेगा तो ये हो जाएगा 20, और यही जो है आपका आंसर हो जाएगा। देख सकते हैं इतना बड़ा क्वेश्चन आंसर आ गया 20। इसी को बोलते हैं सिंप्लीफिकेशन, यानी आपको बड़ा क्वेश्चन दे देगा, कहेगा कि सरल कीजिए, सिंप्लीफिकेशन कीजिए, और आपको यहाँ पर इस तरह छोटा करके इसका आंसर लाना होता है। तो आशा करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और इस तरह के जितने भी क्वेश्चन होंगे आप चुटकियों में सॉल्व कीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में एक न्यू टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, धन्यवाद।